सामान कुछ ऊंचा रखा हुआ है। कशवार बनाऊंगी, आज है पूर्णिमा तो भाई का फास्ट है आज, तो साथ में बनाऊंगी सेवैया, मीठा सेवैया। थोड़ी सी कशवार बनाती हूँ, थोड़ा देसी घी डाल दिया है। ज़्यादा तो नहीं होगी घी, क्योंकि आटा थोड़ा थोड़ा सा ही बनाऊंगी, मीठा बनाऊंगी बाद में, क्योंकि आटा ज़्यादा नहीं है ना। तो ये जब हल्की थोड़ी सी ब्राउन हो जाएगी, थोड़ा सा कच्चापन निकल जाएगा, तो फिर मैं इसमें, अब सर्दी में तो मैं इसमें गुड़ डालती थी, अभी आजकल गर्मी है तो मैं इसमें ना थोड़ी सी चीनी डालूंगी। पहले मेरे पापा ये फास्ट लेते थे और उनका एक रिकॉर्ड था कि जब से हम लोगों ने बचपन से देखा फास्ट लेते हुए, उन्होंने 80 ईयर के मेरे पापा हो गए थे, 80 ईयर तक उन्होंने एक हर महीने साल के 12 महीने में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि उन्होंने कोई फास्ट मिस किया होगा। वो आखिरी टाइम तक अपना जिंदगी में आखिरी टाइम का डिप्लोमासी थे, उन्होंने वो फास्ट भी लिया। वो बीमार हो जाते थे, कितने भी बीमार हो जाएंगे तो वो पूर्णिमा का व्रत हमेशा लेते थे। तो बस वही परंपरा को हमने कहा कि इसे जारी रखेंगे, तो घर में कोई भी एक लेगा। अरे मेरी सिस्टर कह रही थी कि वो भी ले सकती है फास्ट, पर मेरे भाई ने बोला कि नहीं पापा लेते थे तो अब ये फास्ट मैं लूँगा, तो अब भाई लेता है फास्ट। और पता है पहले तो मेरे पापा जब फास्ट लेते थे और जब हम बहुत छोटे थे, चाचा जी भी रहते थे, चाचा जी और हम सब, तो पापा खीर बनाते थे। अभी मैं खीर, अभी तो आज तो मैं खीर भी बनाऊंगी, क्योंकि पिछले महीने में खीर बनाई थी। कभी कभी मैं सेवियाँ भी बना लेती हूँ पूर्णिमा में। तब पहले मेरे पापा जब हम जब छोटे थे तो मेरे पापा हमें पूर्णिमा का बड़ा बेसब्री से इंतजार होता था। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पापा 4 लीटर दूध लेके आते थे, और जबकि हम बहुत छोटे छोटे बच्चे थे तब भी वो 4 लीटर दूध लेके आते थे और 5 लीटर के कुकर में वो बहुत सारी खीर बनाते थे। खीर मेरे पापा को बहुत पसंद थी, बहुत, और शायद यही वजह है कि हम सबको भी खीर बहुत पसंद है मीठा, और पर पापा को खीर बहुत पसंद थी। पूर्णिमा का मतलब है कि खीर बनेगी और वो भी खूब सारी बनेगी। और मेरे पापा जब वो खीर बनाते थे ना तो इतना मन लगा के बनाते थे, शाम को दूध लेके आएंगे ऑफिस से आते थे, फिर मदर डे से दूध लेके आते थे, टोकन वाला दूध लाते थे, 4 लीटर की खीर बनाते थे, बहुत मन लगा के, मतलब भाव से बनाते थे। और कहते थे, और हम खीर किस में खाते हैं आप सोच नहीं सकते। थाली में लोग दाल चावल खाते हैं ना, पर थाली में हम लोग खीर खाते थे भर भर के। अब तो हम कटोरी में खाने लगते हैं खीर, और थोड़ा सा हेल्थ को लेके अवेयर भी हो गए हैं तो खीर हम कटोरी में खाते हैं। तो उस टाइम पे हम खीर खाते थे थाली में। और एक बार क्या हुआ, मेरी फ्रेंड, तब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरी फ्रेंड मेरे घर में स्टे किया उसने, क्योंकि वो बहुत दूर रहती थी नोएडा, तो उसने कि रात को नोएडा कैसे जाऊँगी, एग्ज़ाम चल रहे थे हमारे सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के, ये मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, याद नहीं आ रहा। तो उस दिन बाई चांस दीदी उसने रात को स्टे किया, उस दिन पूर्णिमा थी और वो मीठा बहुत कम खाते हैं, उसके घर में सभी मीठा बहुत कम खाते हैं। तो वो जब आई और हम खाना खाने बैठे तो उसको भी थाली में खीर दी। मुझे अभी भी बहुत हंसी आ रही है कि वो थाली में खीर देके कह रही, हे भगवान तुम लोग थाली में खीर खाते हो? हमने कहा हाँ हम तो खाते हैं खीर, कहीं मुझे तो कटोरी में खीर दे, खीर भी कोई थाली में खाने की चीज़ है, इसे कटोरी में लेके खाते हैं। तो
मेरे पापा ऐसे थे, मतलब उनका एक वो था कि खाने पीने में कभी भी उन्होंने मतलब कंजूसी नहीं की, कहते खुल के खाओ, कुछ भी लाते थे हमारे, फ्रूट्स लाते थे, वो ढेर सारे फ्रूट्स लेके आएंगे, खीर बनाएंगे, और हमेशा सर्दियों में वो, अभी तो मुझे याद आ रहा है, मैं फिर उन्होंने गुस्सा भी कर दी थी पापा को, ओ पापा जब देखो आपको मीठे खाने की क्यों हुआ रहती है, और सर्दियाँ आती थी कहते गुड़ का हलवा बनाओ, गुड़ का हलवा बनाते थे हम, पर मेरे पापा को गर्मियों में एक आम का, पहाड़ी लोग जानते होंगे आम को, जो लोग वो बनाते हैं आम पन्ना बोलते हैं शायद जिसे उबाल के, पर हमारे इसमें पहाड़ी में बोलते हैं आम का टॉक, तो मेरे पापा को आम का टॉक बहुत पसंद था, और वो लाते भी थे, वो सारी चीज़ खुद लाते थे, ऐसे नहीं कि उन्हें शौक ही शौक था, वो चीज़ें खुद लेके भी आते थे और कहते बनाओ, हम बनाते भी थे, पर इस बार हमने आम का टॉक नहीं बनाया, पता नहीं, जो पापा जो खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन थे वो है ही नहीं, वो कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं तो हम बनाते थे, अब घर में ना कोई ऐसा बोलता है, इतना कोई फूडी नहीं है घर में खाने को लेके। अभी इसके बाद मैं सेवैयाँ बनाऊंगी और उसके बाद पूजा करके चंद्रमा को अर्घ दे के फाइनली पूजा ख़त्म हो जाती है, मतलब इस तरह से उसका व्रत समाप्त होता है। अभी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर मैं इसमें चीनी डालूंगी, नहीं तो अभी गर्म में चीनी डालूंगी तो चीनी मेल्ट हो जाएगी। पानी आ गया, चल भी कसार तो मैंने बना दी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, देखो ये फाइनली इस तरह से तैयार कर दिया मैंने, गुड़ मिलाती पर गर्मी बहुत हो रही है इसलिए गुड़ नहीं मिलाऊंगी। तो हमारी थाली तैयार हो गई है, रात का खाना पनीर की सब्जी, सेवैया, चावल और फुलके, रोटी ले लेना। हाँ भैया, आज मेरा था व्रत और आज पूर्णमासी है, पूर्णमासी के दिन पिताजी के जमाने से चला आ रहा है कि हम व्रत रखते हैं, अब पिताजी नहीं है तो हम व्रत रखते हैं, थोड़ा चैलेंजिंग तो होता है लेकिन ठीक है, ये भी होना चाहिए। और ये हमने ले लिया उस वाले को, और पानी अरे गिलास में पानी लेके आना था, मैं कहाँ से कहूँ जाने मन, मेरा दिल सुने तेरी बात, ये आँखों का उजाला, ये होठों का लाला, यही है मेरे दुनिया, मैं कहाँ से कहूँ जाने मन। चल खाना खा लो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अपने ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, कल मिलूँगी आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए और आबाद रहिए।